गेमिंग है तो केआर जी दोस्तों, आप सभी कैसे, मैं करना आपका स्वागत करता हूँ केआर जी गेमिंग के एक और न्यू वीडियो में। एंड दोस्तों यार, मैं अभी कैंपेन मोड के लास्ट लेवल के ऊपर हूँ, जहाँ पर मैं जो उनके बॉस है उसको धपाक धपाक पीट रहा हूँ। पर भाई, इसके बाद में क्या होगा? यहाँ पर से क्या कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा या फिर हमें इसको बार बार में खेलना पड़ेगा? तो दोस्तों, मैं बात करूँगा जो हमारे न्यू अपकमिंग सून में जो दो मोड्स हैं, एक है 5v5 TDM एंड एक है फ्री फॉर ऑल। सो दोस्तों, इसी के साथ में यहाँ पर चैप्टर टू का आरंभ भी होगा। पर भाई, चैप्टर वन को क्लोज करते करते मेरे साथ में एक हादसा हो गया, एक बुरी खबर हो गई। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं बॉस को मतलब तकरीबन मार ही चुका हूँ और मैंने इसको कम्प्लीटली मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर एक स्टोरी प्ले हो जाती है जिसको आप आराम से देखिए। निडर और एकजुट, भूलना मत अहमद। बस एक काम करना बाकी है, इसे इसकी सही जगह पहुंचाना है। रवि, करण, सुनील और जावेद के लिए, वो इसे घर वापस पहुंचाने के लिए शहीद हुए। सर, आज आपने मेरी जान बचाई है। समझ नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे शुक्रिया मत कहो अहमद, फौजी यही तो करते हैं। जहां भी भारतीय ध्वज लहराता है, वहां हम अपनों की हिफाजत करते हैं। मुझे गर्व है मैंने आपके साथ इस देश की सेवा की है सर। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। सो फाइनल स्टोरी को देखने के बाद मैं बिल्कुल एकदम इमोशनल हो गया था, पर मुझे इमोशनल को साइड में रखना है क्योंकि अभी भी गेम चालू है, टाइमर ऊपर चल रहा है और भाई 10-15 बार मरने के बाद मैं इस लेवल के एंड तक पहुंचा हूं। मुझे इस गेम को कैसे भी करके कंप्लीट करना था, पर कोई भी मार्क नहीं दिख रहा था कि गेम कंप्लीट कैसे करूँ। उतने में मेरी नज़र पड़ती कि जिस बॉस को मैंने मारा है उसका वेपन यहाँ पीछे कंटेनर के गिर गया है। अब भाई मुझे उसको उठाना है ताकि मिशन कंप्लीट हो सके, पर यार यहाँ ग्लिच ऐसा कुछ था कि मैं पीछे नहीं जा पा रहा था और ना वेपन को उठा पा रहा था। तो यहाँ पर जैसे जैसे टाइम खत्म हुआ मेरा मिशन फेल हो गया। अब यार मैं बात करूं, मुझे यहाँ पर बुरा इस बात का नहीं लग रहा है कि मैं मिशन को कंप्लीट करते करते भी हार गया। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मुझे वापस से खेलना पड़ेगा उस लास्ट स्टेज को क्लियर करने के लिए। मतलब मुझे सारे चेक पॉइंट्स वापस से क्लियर करने होंगे एंड ऐसे ही मुझे पूरा गेम को वापस खेलना होगा। अब एज ए गेमर मैं बात करूँ तो यार गेम में बोरियत बिल्कुल से आपको हो जाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको एक बटन ही प्रेस करना है, बाकी आपका प्लेयर पंचेस और किक दोनों अपने आप से ही चला लेगा। एंड दोस्तों बात करूँ तो यहाँ पर मुझे गेम प्ले को देखते हुए कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं लगा, क्योंकि मैंने इसका बीटा टेस्टिंग का गेम प्ले पहले ही देख लिया था जिसको काफ़ी ज़्यादा ब्लर किया गया था। तो दोस्तों ये गेम प्ले मैंने 1 महीने पहले देख लिया था एंड 1-1.5 महीने पहले ही ये गेम तैयार हो चुका था। तो यहाँ पर कैंपेन मोड को तो 1-1.5 महीने पहले एनकोड की टीम ने तैयार कर लिया था। तो भाई उसके बाद बताता हूँ आपको यहाँ पर एक्चुअली में एनकोड टीम वर्क किस पे कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर कैंपेन मोड को छोड़कर एनकोड की टीम ने उसके बाद में वर्क किया है मल्टीप्लेयर एंड TDM मोड के ऊपर। सो दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लेयर भी बता दूँ आपको रेडी है गेम के लिए एंड उसको जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। एंड विशाल गोंडल सर ने IGN के साथ में अपने इंटरव्यू में बताया था कि मल्टीप्लेयर हम Day 1 से नहीं देंगे एंड मल्टीप्लेयर अभी गेम के लिए रेडी है, बस उसको लॉन्च करना की देरी है। अब मुझे लगता है कि यार मल्टीप्लेयर जल्द ही ला देना चाहिए ताकि गेम के अंदर लोगों को अच्छा लगे और कैंपेन मोड के अलावा भी वो कुछ और खेल सके, क्योंकि कैंपेन मोड में मैं बात करूँ तो सच में उसमें एनिमीज कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। जब तक वो वर्क मतलब वार नहीं करते तब तक तो आप ठीक है, अगर उन्होंने एक बार अटैक करना शुरू कर दिया तो आपकी हेल्थ बहुत जल्दी ही चली जाती है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें जो एनकोर की टीम को जल्दी ठीक करनी होगी और काफ़ी सारे ऐसे ग्लिचेस भी हैं जो देखने को मिलते हैं गेम प्ले के अंदर। पर मैं आपको बताऊं सच में तो यहाँ पर TDM मोड आपको मुझे जहाँ तक लग रहा है ये लद्दाख वैली का ही देखने को मिलेगा। अब जैसे मैं बात करूँ जो एंथम ट्रेलर था उसके अंदर आपको जो देखने को मिली थी सिचुएशन कि गन से ही हम चाइनीज ट्रूप को मार रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ सीन आपको TDM के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। एंड मुझे लगता है कि ये सारी कंडीशंस आपको TDM की ही दिखाई गई थी जहां पर AKM जैसी गन अवेलेबल है और आप लद्दाख की कंडीशंस के अंदर ही चाइनीज ट्रूप के साथ में फाइट कर रहे हो। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलती है कि लद्दाख वैली के अंदर जो आपको एंथम ट्रेलर दिखाया गया था वो उसके अंदर आप पूरी टीम थी, तो यहाँ पर TDM के अंदर भी आपको 5 बंदों की टीम बनानी है। तो मुझे लगता है कि यार लद्दाख वैली के अंदर ही हमारा टीम डेथ मैच होने वाला है और इसी के चलते हुए यहाँ पर आगे गेम को बढ़ाया जाएगा। सो लद्दाख वैली के अंदर भी जो इंसिडेंट हुआ था उसको भी TDM के थ्रू दर्शाया जाएगा, जहां पर आपके पास में गन्स रहेंगी और AKM वेकेम होने के बाद तो भाई ऐसा तूफान सा मचने वाला है गेम के अंदर। ज्यादा इंतजार ना कराते हुए एनकोर की टीम को मल्टीप्लेयर TDM के साथ में यहां पर जल्दी जल्दी ऐड कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये तो मेरा मेरी पूरी ओपिनियन था कि गेम के अंदर आपको सेकंड चैप्टर एज अ TDM के तौर पर भी देखने को मिल सकता है, बट यहां पर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। सो जो भी कंफर्मेशन आएगा और छोटे से छोटा अपडेट गेम के रिगार्डेड आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। एंड मैं बात करूँ आप अगर आप भी एक फौजी गेम का बीटा टेस्टर बनना चाहते हो तो आप जाके सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर नीचे ज्वाइन लिखा होगा बीटा टेस्टिंग के नीचे, वहाँ पर ज्वाइन कर देना, आप भी एक बीटा टेस्टर बन जाओगे एंड छोटे से छोटा अपडेट आपको पहले मिल जाएगा। सो दोस्तों इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे किसी को न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम।
With the